हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। भटिंडे का मुबारक किला ईंट का बना सबसे पुराना और ऊंचा स्मारक है। यह करीब 14 एकड़ में फैला हुआ है, तो जानेंगे इसके बारे में। लेटेस्ट स्टार्ट। भटिंडे का किला कई नामों से जाना जाता है, जैसे गोविंद घर, बकराम घर, किला मुबारक इत्यादि। इस किले का निर्माण राजा बैनपाल, जो कि भुट्टे राजपूत थे, इन्होंने लगभग 1800 साल पहले करवाया था। इस किले के निर्माण के समय और इस किले का निर्माण किसने करवाया था, इन दोनों में ही कुछ विवाद हैं। किला मुबारक भारत के पंजाब राज्य के भटिंडा शहर में स्थित है। आप इस मैप में देख सकते हैं। इस किले की रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की है। ये किला भारत के सबसे पुराने दुर्गों में से एक है, जो अभी भी खड़ा है। इसे भारत में राष्ट्रीय महत्व का स्थापत्य होने का दर्जा प्राप्त है। भटिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियारुद्दीन अलतुलिया ने इसी किले में रजिया सुल्तान को उनकी पराजय के बाद बंदी बनाकर रखा था। इस किले में कुषाण काल की ईंटें पाई गई हैं, जब सम्राट कनिष्क का भारत व मध्य एशिया के कई भागों पर राज्य था। माना जाता है कि दुर्ग का मूल निर्माण कनिष्क और राजा दाब ने किया था। इस किले में 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह 1705 ईस्वी में आए थे और इस जगह की सलामती और खुशहाली के लिए प्रार्थना की थी। पटियाला राज के महाराजा आला सिंह ने इस किले को 1754 ईस्वी में अपने अधीन कर लिया था और इस किले का नाम गोविंद घर कर दिया था, लेकिन जल्द ही इस जगह को बकराम घर के नाम से बुलाया जाने लगा। इस किले के सबसे ऊपर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया। इस गुरुद्वारे का निर्माण पटियाला के महाराजा करम सिंह ने करवाया था। इस किले के चारों ओर रेगिस्तानी क्षेत्र के बालू बिछे हुए हैं और इसे दूर से देखने पर यह किसी समुद्री जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को तबे हिंद या भारत के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता था। इस किले का भीतरी भाग, जिसे किला एंडोरोन कहा जाता था, वह क्षेत्र था जहां पटियाला राजवंश के लोग निवास करते थे। किले में विभिन्न अपार्टमेंट हैं, जैसे मोती पैलेस, राजमाता पैलेस जहां रानी रहती थी, सीस पैलेस, जेल पैलेस जहां शाही कैदियों को रखा जाता था, पैलेस ऑफ मून और पैलेस ऑफ रंगों जहां रंगों का पैलेस था। किले के भीतर अन्य मनोरंजक संरचनाएं भी हैं। मजबूत संरचना के कारण इसने पंजाब की रक्षा रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस किले में एक लेक भी है। एक बार बाबर मुबारक किला कुछ तोपे लेकर आया था, जिसमें से 4 तोपे आज भी यहाँ मौजूद हैं। ये तोपे सोने, चांदी, लोहे, पीतल की बनी हुई हैं। यहाँ पर आपको किला मुबारक के बारे में जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट।